भारतीय टीम दुनिया के किसी भी मैदान में खेले उसे घर जैसा माहौल मिलता है। वेल, ये मैं नहीं कह रहा, ये शब्द एक मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान रिकी पोंटिंग ने कहे थे, क्योंकि इसकी वजह है दुनिया भर में मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस, जो कि अपनी टीम को चीयर करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए सात समंदर पार भी पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आपको उस मैच की कहानी पता है जिसमें भारत मेजबानी करते हुए भी किसी अजनबी की तरह महसूस कर रहा था? नहीं ना? अपनी ही मेजबानी में मैच खेलने के बावजूद भारत का समर्थन करने वाले चेहरे तलाशना मुश्किल हो रहा था। आइए, क्रिकेट के इस मौसम में हम आपको ले चलते हैं 1983 के दौर में। उस वक्त वनडे क्रिकेट भी सफेद कपड़ों में खेला जाता था। कुछ दिन पहले ही भारत की टीम वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व विजेता बनी थी। वहीं वेस्ट इंडीज की टीम भारत में 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारत आई। सीरीज का पहला मैच कश्मीर के खूबसूरत शेरे कश्मीर स्टेडियम में रखा गया। वाह! 13 अक्टूबर की सुबह टॉस मेहमान टीम के कप्तान क्लाइव लॉयड ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। सुनील गावस्कर और क्रिस श्रीकांत की अनुभवी जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में पहुंची। माहौल आम भारतीय मैदानों से बिल्कुल अलग था। वहां मैदान में कोई शोर नहीं, एक तरह का सन्नाटा पसरा था। हालांकि मैदान में दर्शक मौजूद थे, लेकिन वो भारत के इन विख्यात बल्लेबाजों की बैटिंग देखने का इंतजार नहीं कर रहे थे। शायद इसी बदले हुए माहौल के चलते भारत का पहला विकेट जल्दी गिर गया। गावस्कर महज 11 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद दिलीप वेंगसरकर और श्रीकांत ने भारतीय पारी को संभाला, लेकिन 28 रन बनाकर वेंगसरकर भी आउट हो गए। अब दिन चढ़ते चढ़ते मैदान में दर्शकों की तादाद बढ़ने लगी तो शोर भी बढ़ने लगा, लेकिन ये शोर भारतीय बल्लेबाजों के दिलकश शॉट्स के लिए नहीं था, बल्कि उनके आउट होने पर उठ रहा था। वेस्ट इंडीज की लंबी कद काठी के गेंदबाज मैल्कम मार्शल जब भी रन अप पर आते तो दर्शकों का शोर जोर मारने लगता। वहां मौजूद दर्शकों में से बड़ी तादाद में लोग इमरान खान के पोस्टर थामे थे और कई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पारी खत्म होते होते भारत की टीम 41.2 ओवर में 176 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 40 रन श्रीकांत ने बनाए। इसके बाद जब दोनों ही टीमें लंच ब्रेक कर रही थी, तभी कुछ लोग मैदान में पहुंच गए और उन्होंने पिच को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये प्रदर्शनकारी मैदान में उतरकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दरअसल अपने इस प्रदर्शन के जरिए ये लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच के सामने अपनी मांगे रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसके बावजूद मैच की दूसरी पारी शुरू हुई और वेस्ट इंडीज के ओपनर गॉर्डन ग्रीनेस और डेसमंड हेन्स मैदान में उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर। डेसमंड के हर एक शॉट पर दर्शक खूब तालियां बजाते, जबकि भारतीय गेंदबाज अगर अच्छी गेंद फेंकते तो मैदान में सन्नाटा सा पसर जाता। पूरे मैदान में ऐसा माहौल बन गया था कि जैसे ये मैच भारत की जगह पाकिस्तान के मैदान में हो रहा हो। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर भारत के मैदान में ये दर्शक उनका इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं। बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे भारतीय खिलाड़ियों की हालत तो और भी खराब थी। उन्हें दर्शकों की तरफ से लगातार नारेबाजी का सामना करना पड़ रहा था। बाउंड्री पर खड़े दिलीप वेंगसरकर पर किसी दर्शक ने आधा खाया हुआ सेब फेंक दिया था। कई दर्शकों ने पानी की बोतलें
और पत्थर भी हैं। आलम यह हुआ कि भारतीय गेंदबाज वेस्ट इंडीज का एक भी विकेट नहीं ले सके और मेहमान टीम ने 22.4 ओवर में, जी हां, 108 रन बना दिए। इसके बाद अचानक ही धूल भरी आंधी चलने लगी और तेज बौछार हो गई। मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका। मैच का नतीजा निकालने के लिए 22वें ओवर तक दोनों टीमों के स्कोर की तुलना की गई और इस हिसाब से वेस्ट इंडीज को 22 ओवर में 81 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे वे पहले ही पार कर चुका था। इस तरह वेस्ट इंडीज को 28 रनों से विजेता घोषित कर दिया गया। डेसमंड हेन्स को उनकी अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। क्रिकेट का शायद यह पहला और अकेला मैच रहा होगा जिसमें भारत मेजबान होकर भी किसी हॉस्टाइल माहौल में खेला। मैच खत्म होने के बाद 12 लोगों को पिच को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि इनमें से कई लोगों को सबूतों के अभाव में जमानत मिल गई, लेकिन इन पर कई सालों तक केस चलता रहा। बीसीसीआई में भी इस बात पर खूब बहस हुई कि आखिर कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मैच की मेजबानी कैसे दे दी गई। खैर, मैच की ये दिलचस्प कहानी तो यहीं तक थी। क्या आपने भी इस मैच के बारे में कुछ सुना है या इसकी कोई याद आपके पास हो या क्रिकेट का कोई और किस्सा हो तो हमें आप जरूर बताइएगा।